संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है, जिसमें लोगों को ये समझाया जाता है कि आखिर कैसे हमारा संविधान हमारे देश के लिए तरक्की कर रहा है और ये कैसे महत्वपूर्ण है, तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमारे देश के संविधान निर्माण में किन किन कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कोई भी देश बिना संविधान के नहीं चल सकता। देश का शासन और कैसे सरकार चलेगी, सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा कैसी होगी, किन पद पर नियुक्ति होगी और कैसे होगी, क्या कार्य होंगे, देश के नागरिकों के क्या अधिकार और कर्तव्य होंगे, इन सब की रक्षा कैसे होगी और क्या कानून होंगे, इन्हीं सब बातों के जवाब जानने के लिए महाराष्ट्र भवन नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन डे का कार्यक्रम आयोजन किया। जानते हैं इस कार्यक्रम की क्या खास बातें रही। कंजर्वेशन के लिए प्रपोजल आई, कहने लगे आप अपने सामान से हटकर ये रिजर्वेशन आपको दे देते हैं। इसलिए मैं बेनती करके जाना चाहता हूँ, आप इस सेंटर से भी जो पढ़े लिखे हैं तो संविधान बढ़कर है, क्या मेरी बात को मैं कह नहीं सकता आगे से, उस बात को समझने की कोशिश करो कि आज तक हमारे जितने अवसर बने हैं उनसे 90% नहीं लड़े हुए। मैं जीजा माता, मैं हूँ महाराष्ट्र से पूनम रविंद्र उबाले, और जो ये अचीवमेंट अवार्ड्स मुझे मिला है इससे तो मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे ज़्यादा मेहरबानी जिन्होंने संविधान लिखा, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, उनकी मेहरबानी से ही मैं यहाँ पे हूँ और उसकी वजह से ही मुझे ये अवार्ड मिला है। और ये जो अवार्ड मिला है इससे तो मैं यहाँ पे रुकने वाली नहीं हूँ। इससे सुनना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर कुछ आपके विचार। आज ये बहुत अच्छा है, संविधान में तो बेटा बहुत कमी है, ये बदलना पड़ेगा। तो आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं संविधान में? आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं दुनिया अभी मॉल। आज के कार्यक्रम को लेकर आपके क्या विचार है? मेरा नाम डॉक्टर प्रोफेसर एनपी सिन्हा है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हूँ। भारत के संविधान के विषय में कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान को बनाया था वो संविधान उस जमाने के अनुसार से ठीक था, लेकिन इस जमाने में अब संविधान को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि संविधान में जिन जिन चीज़ों के विषय में लिखा हुआ है और जिन जिन मतलब लोगों को सहायता पहुंचाने के विषय में लिखा हुआ है, फ़ायदा देने के विषय में लिखा हुआ है, उस तरह का अभी बहुत सारे लोगों के पास फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है, इसीलिए संविधान में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो आप क्या बदलाव संविधान में देखना चाहते हैं? अभी संविधान में हम बदलाव इस तरह का देखना चाहते हैं कि सभी में समानता का भाव हो, चाहे कोई ऊपर वाला व्यक्ति हो चाहे नीचे वाला व्यक्ति हो, सबको समान रूप से देखा जाए, सभी को समान रूप से शिक्षा मिलना चाहिए, सभी लोग को समान रूप से चिकित्सा मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए, बिजली है, पानी है, रोजगार है, मतलब यातायात का साधन है, प्रत्येक लोगों को समान रूप में मिलना चाहिए। जब तक इस तरह की समानता नहीं आती है तब तक समाज में विकृति फैलती रहेगी, और इस तरह का जब समाधान जब निकलेगा तो समाज में समाज का कल्याण होगा और लोगों का कल्याण होगा, और इस तरह से समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण। आज के कार्यक्रम को लेकर आपके क्या विचार हैं सर? मैं आज के 26 नवंबर 2022 में हैं, हम ये आज संविधान दिवस है, हम ये चाहते हैं
कि भारत के संविधान के अंदर दोबारा नया संविधान गांधी जी के सपनों के स्वराज के अनुसार अंतिम व्यक्ति के स्वराज की प्राप्ति के लिए लक्ष्य रखते हुए बनाया जाना चाहिए। उसमें एक मूल बात होनी चाहिए, विकेंद्रीकरण सत्ता का, शिक्षा का, न्याय का और उत्पादन का। जिस दिन विकेंद्रीकरण होगा उस दिन जो है हर आदमी को रोजगार मिलेगा, हर आदमी को इज्जत से रोजी रोटी कमाने का अवसर मिलेगा। कोई भी जब व्यवस्था केंद्रीकृत होती है कोई भी एक आदमी 140 करोड़ व्यक्ति का भला नहीं कर सकता, इसलिए हमें विकेंद्रीकरण के रास्ते पर जाना ही पड़ेगा। ऐसी गांधी जी की इच्छा थी पंचायत सशक्तिकरण के माध्यम से और पंचायत को रचनात्मक जिम्मेदारी देते हुए उस पर कंट्रोल रखने का काम जो है केंद्रीकृत व्यवस्था करे और रचनात्मक अथॉरिटी दे, ऐसी हमारी अपेक्षा है आज के दिन। और हम ये चाहेंगे हर संस्था, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर विधानसभा और संसद भवन नए स्वराज की, नए संविधान की स्थापना के लिए एक साल तक चर्चा करें और नए संविधान का प्रारूप जो है हर सदन में पास हो और 26 नवंबर 2023 तक भारत डन। आज के कार्यक्रम को लेकर आपके क्या विचार रहेंगे? देखिए मेरे विचार अपने देश के प्रति, आज देश का जो दिन है हम तो इसको अपने देश के महोत्सव के रूप में जानते हैं। आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लिखा गया और हम सभी लोग इसको संविधान दिवस के रूप में, एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। संविधान में हमें सभी को, यही नहीं कि सिर्फ किसी विशेष कम्युनिटी को, पूरे देश के लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को, विकलांगों को, थर्ड जेंडर के लिए भी इस संविधान में उस सरकार द्वारा उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं लिखा गया है और उसको मौलिक अधिकार दिए गए, जिसमें कि सबसे बड़ा अधिकार है मताधिकार। और हम इस अधिकार का प्रयोग करके स्वतंत्र रूप से अपनी मनचाही सरकार को लेकर आ सकते हैं, बदलाव की बात कर सकते हैं। तो मेरा अनुरोध है, आज देश में इलेक्शन का माहौल है, हमारी दिल्ली में एमसीडी का माहौल है, तो अगर यदि आप देश को वाकई प्रगति को ले जाना चाहते हैं तो अपना जो संविधान के द्वारा दिया गया हमारा जो मौलिक अधिकार है, जिसको मत के नाम से जानते हैं, और अपना वोट देने का अधिकार है, वो सबको बराबर है, उसका उपयोग करके अपनी मर्जी से अपने चुने हुई सरकारें चुन सकते हैं और इस देश की प्रगति में योगदान कर सकते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने यह शक्ति बनाते हुए यह नहीं लिखा कि पूरी तरह से प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, स्वर्ण हो, दलित हो, या किसी भी ओबीसी कम्युनिटी से आता हो, या थर्ड जेंडर भी क्यों ना हो, उसके पास भी यह ताकत विशेष रूप से है। और मैं आज के दिन में इस कार्यक्रम के लिए मनीष गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ये दिन को आप सभी से ये अनुरोध भी करता हूं कि बढ़ चढ़कर आने वाले अगले समय में जब ये संविधान दिवस आए तो सभी लोग इसको महोत्सव के रूप में अपनाएं। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी देश के प्रति बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और संविधान द्वारा जो भी सिस्टम होता है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आप पहले तो आज का दिवस बहुत ही बहुमूल्य है, जो आज संविधान लिखा गया है, बाबा अम्बेडकर जी ने लिखा है, तो आप सभी देशवासियों को बधाई। एक विचारधारा के साथ चलना यह हमारा कर्तव्य, हमारी संस्कार, हमारी संस्कृति है, जिसे हमें आगे ले जाना है। आज की युवा पीढ़ी से मैं अनुरोध करूँगी कि अपना विचार, अपना मत इसलिए मत दीजिए कि आपको आलू, प्याज, टमाटर, डीजल, पेट्रोल को देख कर नहीं, अपने भविष्य को, आने वाली युवा पीढ़ी को अपने आने वाले भविष्य को देख करके सही मत अधिकार को देना अति आवश्यक है। ये आपके आज के आने वाले भविष्य के लिए उज्ज्वल है। सभी को शुभकामनाएं। जय माता दी। बोले कि आपके क्या विचार रहे हैं? मेरे यही विचार रहेंगे कि आज के दिन पर विशेष तौर पर भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर जी पर नमन करूँगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से ऐसे सच्चे बयान, अपने संदेश छोड़ कर गए हुए हैं जो अभी तक छुपा गए हुए हैं। ठीक है, संविधान सबके लिए समान लिखा गया, अधिकार है, न्याय है, सत्य है, लेकिन कुछ कार्य क्षेत्र ऐसा बनाया गया जो संविधान में है उसके उल्टा हो रहा है। तो इसलिए बताओ क्या शुभकामना दें, खुशी मनाएं। संविधान दिवस के दिन हमें प्रण लेकर अपने देश के संविधान निर्माताओं को सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए।